प्रदेश की राजधानी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, साथ ही तीसरी लाइन का विस्तार करके ट्रैफिक को कम करने के प्रयास भी हो रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने 4 साल पहले सत्ता संभालने के बाद जो वादे जनता से किए थे वो अब जमीन पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। रेल नेटवर्क का विस्तार मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन 4 सालों में उन चुनौतियों को पूरा करने की कोशिश की गई। रेल मंत्रालय ने रेल सुरक्षा और सुविधाओं में इजाफा तो किया ही, बल्कि देश भर में तीसरी रेल लाइन का विस्तार भी किया। इतना ही नहीं, राजधानी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका 40% काम पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में नए प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो सिंगल लाइन से डबल लाइन का काम चल रहा है, डबल लाइन से ट्रिपल लाइन का काम चल रहा है जहाँ पे कंजेशन से, इसके साथ साथ पूरे खंड में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। हबीबगंज को रीडेवलपमेंट का कार्य लिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन में करीब 40% कार्य पूर्ण हो चुका है और दिसंबर 2019 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो हबीबगंज स्टेशन में ऐसी सुविधा होगी, जैसे स्टेशन पे जो ट्रेन रुकी, पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे उतरे और सीधे हम सबवे देंगे, सबवे से नीचे जाएंगे और स्टेशन के बाहर। और जैसे कि एयरपोर्ट्स में होता है कि आने वाले यात्री और जाने वाले यात्रियों में मेल मिलाप नहीं होता है, दोनों अलग अलग रूट से निकल जाते हैं, इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। इसके साथ ही स्टेशन के आजू बाजू का जो प्लॉट्स हैं, हमने प्लॉट्स पे कमर्शियल डेवलपमेंट भी कराया। भोपाल और प्रदेश के कई अंचलों में फ्लाईओवर बनने से लोगों को फाटक पर खड़े होने की समस्या से निजात मिली है। हाल ही के दिनों में भोपाल में सावरकर सेतु के बनने से जहां 3 मुख्य सड़कों के ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया है, वहीं प्रदेश के अन्य रेल फाटकों पर भी फ्लाईओवर का काम जारी है। बुनियादी नेटवर्क को सुधारने की इस तेज प्रक्रिया की स्थानीय रहवासी भी सराहना कर रहे हैं। हाँ, रेलवे ने काफी अच्छा किया है। ओवरब्रिज होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, ज्यादा हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक से फायदा रहेगा। अब जैसे आगे बना है यहाँ पे हबीबगंज के पास, उससे भी काफी फायदा हुआ है लोगों को, लंबी लाइनों से मुक्ति मिली है। जैसे अभी गर्मियों का टाइम है या बारिश का टाइम है, काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे हम लोगों को। पहले तो केवल घोषणाएं होती थी लालू जी के टाइम पे या पुरानी सरकारों के टाइम पे, लेकिन अब ये घोषणाएं एक्चुअल में लग रहा है कि धरातल पे आने वाली हैं। तो लगता है कि जिस तेजी से काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज को बनता हुआ देखेंगे। अगर बात रेल मंत्रालय के अन्य प्रोजेक्ट की करें तो मध्य प्रदेश में बीना से इटारसी और बीना से कटनी के बीच जहां तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है, तो इटारसी से इलाहाबाद और ग्वालियर चंबल मक्सी रूट की रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा महामना, हमसफर जैसी ट्रेनों का लाभ भी प्रदेश की जनता को मिल रहा है। मॉडर्न वर्ल्ड क्लास स्टेशन हो, तीसरी लाइन का विस्तार हो या फिर फ्लाईओवर हो, पिछले 4 सालों में रेलवे के तमाम ये वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अब धरातल पर पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। रेलवे का फोकस अब यही है कि जो समय सीमा इन कामों के लिए तय की गई थी, उस समय में ये काम पूरा हो जाए, ताकि जनता से किया हुआ वादा समय पर निभाया जा सके। भोपाल से कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD News।